हे एवरीवन जी, सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपका अपना सिंग्समैन। सो आज हम आए हुए हैं जी फिरोजपुर में, और आपको घुमाने वाले हैं फिरोजपुर शहर और दिखाने वाले हैं यहां के लाजवाब जायके। हम आए हैं सबसे पहले सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब में, और बैक साइड पे आप मेरे देख ही रहोगे कितना प्यारा गुरुद्वारा साहिब है। हम दर्शन करके आ चुके हैं एंड अब बारी है आपको लेके चलने की, तो लेके चलते हैं शहर की तरफ। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से बेस्ट जायके हैं जो आप लोग आके ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम संजय कुमार। और कितने साल हो गए आपको ये यहाँ पे रन करते हुए? लगभग 70 साल। 70 साल अंकल, मतलब शहर के हर बंदे की ज़ुबान पे आपका नाम है, क्या ऐसा खास डालते हो इसके अंदर? मतलब भी पूड़ी छोले आपके इतने फेमस हैं जी, अब आपका प्यार है, लोगों का प्यार है जो बना हुआ शुरू से आज तक। ओके, मतलब शुरू से ही आप ये बेच रहे हो ना पूड़ी छोले? शुरू से 70 साल से। और ये क्या वैसे प्रॉपर एड्रेस क्या रहता है? रोहितपुर कैंट दाना मंडी चौक। दाना मंडी चौक, यहाँ पे आगे किसी से भी पूछ लो, रामू पूड़िया वाला। रामू पूड़ियों के नाम से फेमस है? हाँ जी, रामू। तो रामू कौन थे बेसिकली? मेरे फादर साहब थे। अच्छा, तो उन्हीं के नाम से चलता आ रहा है, उन्होंने स्टार्ट किया था 70 साल पहले? मेरे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था आपके? ठीक है, तो आप वो लेगेसी को मेंटेन करते आ रहे हो। और वैसे क्या टाइमिंग्स क्या रहती है आपकी, कितने बजे शुरू कर लेते हो आप? सुबह 8:30 से लेके 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक ये पूड़ी मिलेगी। ठीक है, और कुछ शाम का भी है? शाम को जलेबी, गुलाब जामुन, समोसा। अच्छा, मतलब मीठे का भी इंतज़ाम है पूरा? ठीक है, और साथ में लस्सी भी रहती है आपकी? तो शुरू से बढ़िया सा सेटअप चलता आ रहा है। पूड़ी वगैरह मैंने सुना है आपकी कि आपकी खासियत है कि आप आटे की बनाते हो। हाँ जी, आटे की। मैदा बिल्कुल भी नहीं? हल्का सा मैदा यूज होता है। 19-21। ठीक है, और सब्जी कौन सी? आलू छोले की? आलू छोले और मिर्च की लौंजी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तैयार करके आप? वाह जी वाह। चलिए जी, देखते हैं आपका जायका और टेस्ट करते हैं और स्वाद बताते हैं। वेल चेक दिस आउट जी, ये लग रही है इनकी बढ़िया सी पूड़ियाँ, एंड आप देख सकते हो क्या स्पीड पे ज़बरदस्ती। एक बारी इसको हल्का सा कच्चा करके निकालते हैं, देन उसके बाद देख रहे हो आप अच्छे तरीके से इसको पकाया जा रहा है, एंड ये बिल्कुल फ्राई होके पूड़ियाँ फूल गई एकदम। ये इनका आ चुका है बढ़िया सा जायका, इसके अंदर आपको ये दिख रहे होंगे छोले, आलू की सब्ज़ी मिक्स करके एंड साथ में दही, और इनकी वो जो लौंजी वाली मिर्च वाली चटनी है वो डाल के, एंड साथ में 3 पूड़ियाँ। तो इसका प्राइस रहने वाला है 30 रुपीज़, एंड देखते हैं पूड़ी में स्टफिंग रहती है या नहीं। चेक दिस आउट जी, ये देख सकते हो आप, इसके अंदर हल्की हल्की रहती है माँ की दाल की स्टफिंग, एंड बिल्कुल हल्का सा नमक मिर्च डाला हुआ है। बहुत लाजवाब सी पूड़ी है ये। मेरी कोशिश यही रहती है मैं आपको वही चीज़ दिखाऊँ जो मेरी ऑलरेडी टेस्ट की हुई है, और वन ऑफ द बेस्ट जायका है। और वैसे ही फिरोजपुर के अंदर मैंने ये पूड़ियाँ पहले ऑलरेडी आके चखी, एंड फिर अंकल से मैंने बात की और मैंने कहा कि मेरे को भी अपने चैनल के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए ये दिखानी है, तो अंकल ने अलाउ किया। तो आपको दिखाते हैं जी एक बाइट टेस्ट करके, ये चेक करो। भाई ये जो सब्जी है ना, काबिले तारीफ है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मसाले बड़े बैलेंस्ड हैं, बहुत लाजवाब फ्लेवर आ रहा है आलू का और छोले की सब्जी का, और जो पूड़ी है एकदम क्रिस्पी है, खस्ता है। आपको एंजॉय करना है ये नाश्ता, आपको आना पड़ेगा फिरोजपुर में कैंट में, बाकी वन ऑफ द बेस्ट जायका ये, मस्ट रिकमेंडेड कहूँगा मैं। अगर आप कभी भी आ रहे हो ना फिरोजपुर में तो ये ट्राई करना आपका बनता है, और लेके चलते हैं आपको फिरोजपुर के अब अगले जायके की तलाश में। इसके बारे में थोड़ा बताओ यार, क्या चीज़ है बेसिकली? ये बॉइल्ड छोले हैं या तड़के वाले हैं या क्या? नहीं भाई जी, ये छोले बॉइल्ड है, इनके विच लगा है मसाला सिर्फ। ठीक है, ठीक है जी। आएगी पुदीने की चटनी, कोफ्ता पनीर, और पनीर है जी। हाँ जी, हाँ जी, कोफ्ता जी। ठीक है, आलू जी, आलू है जी। ये थोड़ी खासियत है बेसिकली? हाँ जी, हाँ जी, ये पालक की तरी होंगी है भाई जी। ठीक है, ठीक है, इन्हें पालक की तरी होंगी, कोई लसन प्याज नहीं होता। ओके ओके, पालक की तरी नाल इन्हें कला मसाला, इन्हें कोई तड़का नहीं लगा है, तिना चीज़ कोई चीज़ नहीं लगा, प्याज पैंता तो इधरों पैंता। ठीक है, ये भी चॉइस है, पुआना पालो नहीं पाओ, नहीं पुआना ना पाओ।
अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਿੱਜਾ ਕੁਲਚਾ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਜਾ ਕੁਲਚਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਜਾ ਕੁਲਚਾ ਵਿਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ 1954 ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿੱਜਾ ਕੁਲਚਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਛੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੌਰਵ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 56 ਸਾਲ ਕਿ 58 ਸਾਲ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। 54 ਮਤਲਬ ਬਥੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਵੈਸੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆਣਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ 'ਚ? ਹਾਂ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦਾਦੇ ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਜਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਚਾ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਆ ਜਾਓ। ਚੂਹੀ ਚੌਂਕ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਗਾਓ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਲਓ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਜਾ ਕੁਲਚਾ, ਹੈ ਨਾ? ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਫਤਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੋਫਤਾ ਭੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭੇ ਦਾ ਕੋਫਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ 35 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੀ, 11 ਵਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5, ਕਈ ਵਾਰੀ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ, 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲਿਏ ਜੀ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਕਾ। ਵੈਲ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਆਊਟ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਬੜੀਆ ਸਾ ਭੀਗਾ ਕੁਲਚਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਇਨਕਾ ਜੀ ਕੋਫਤਾ, ਇਹ ਹੋਗਾ ਪਨੀਰ ਕਾ ਪੀਸ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਪਲੇਟ 35 ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੋਫਤਾ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ, ਬਈ ਲਾਜਵਾਬ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਛੋਲੋ ਕਾ, ਕੋਫਤੇ ਔਰ ਪਨੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਬ ਟੈਸਟ ਕੀਆ ਜਾਏ ਕੁਲਚੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਪੜੋ ਭਾਈ, ਕੋਫਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਅਜੇ ਜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਫਤਾ ਐਸਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲਾ। ਕੋਫਤਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਓ ਪਾਸ ਲਾ ਕੇ। ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਆਊਟ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਮਲ ਕਕੜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ? ਕਮਲ ਕਕੜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਟੇਸਟ ਇਜ਼ 10/10। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਫਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਫਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਕਮਲ ਕਕੜੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੁਲਚਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੌਫਟ। ਇਹ ਡਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਫਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ? ਆਪ ਹੀ ਬਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਜਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੈਸਿਪੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਲੈਗੇਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹੀ ਜਾਇਕੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਵਾਹ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਮੇ ਜਾਏਗਾ ਚੱਕੇ, ਆਪਕੋ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ, ਟਾਈਮਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਭੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਹਮ ਆਪਕੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਐਸੇ ਅਗਲੇ ਜਾਇਕੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀ ਤਰਫ, ਤੋ ਚਲੀ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਹਮਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਹਨ ਹਲਵਾਈ ਜੀ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੈਂਟਸ ਦੁਕਾਨੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਇਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਇਨਕੀ ਟੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਔਰ ਕਲਾਕੰਦ ਯਾਨੀ ਮਿਲਕ ਕੇਕ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੁਜ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਚਲਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਸਰ ਬਿਫੋਰ 1940 ਸੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਅਬ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੋਪ ਪੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਿੰਸ 19 ਸੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਭਗ 80-90 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਯਹੀ ਦੂਧ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਕਾਮ ਹੀ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਹੀ ਕਾਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਹਮ। ਔਰ ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਸਿਰਫ ਖੋਏ ਕੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੀ ਬਨਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਮ ਵਹੀ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਬਰਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹਮਾਰੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਰ ਆਈਟਮਸ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਕੋ, ਬਰਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਹਮਾਰੀ ਫੁੱਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਈਅਰ ਚਲਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਆਈਟਮਸ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਟਰਸ ਮੇਂ
हमारी तीन चार आइटम्स और ऐड ऑन हो जाती हैं, जिसमें तिल भुग्गा आ जाता है, गाजर पाक आ जाता है, और वो जो सर्दी की आइटम्स होगी बिल्कुल बिल्कुल वो ऐड ऑन हो जाता है। बेसिकली जो भी आइटम्स कोई से बनती हैं हम वो बनाते हैं, और स्पेशलिटी हमारी ये है। ओके, तो आप ज़रा दिखाइए मेरे को, है ना सर? ये मिल्क केक है, ठीक है, ये बिल्कुल स्पेशल मिल्क केक है, ऐसी मिल्क केक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह पे बनता है, बहुत बहुत कम जगह मिलेगी आपको ज़रूर, बट ऐसी रेड वाली को मिल्क केक तो बहुत जगह मिल जाएगा, बट ऐसा ब्राउन लाइक जस्ट चॉकलेट लाइक कलर ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, ये हमारी बहुत स्पेशल चीज़ है, ये हम दिल्ली गुड़गांव तक भी रेगुलर इसको बेचते रहते हैं। ओके, और ये आपकी? और ये है सर हमारी रोस्टेड बर्फी, ठीक है, और ये आप ट्राई भी ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, ठीक है सर, इसमें भी सिर्फ दूध, खोया और चीनी है, इन तीन चीज़ों से बनी है ये दो, इसके अलावा हमारी शॉप पे और कोई रॉ मटेरियल भी नहीं आता। ओके, सिर्फ दूध आता है, ये दो ही चीज़ें बनती हैं, ये दो चीज़ें ही बनती हैं, ये दोनों, इन दोनों ने शहर को मतलब पूरा दीवाना बना रखा है, हर बंदे की जुबान में नाम है मोनल भाई जी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हमारे ग्रैंडफादर का नाम है मेरे, और ये तब से सिंस जनरेशन ये चलता आ रहा है। वाह जी वाह, तो मतलब 80 साल हो चुके हैं, तो हम भी टेस्ट करते हैं जी, ये वही पुरानी रेसिपी आपकी है जी? सर बिल्कुल सेम रेसिपी एज इट इज चलती हुई आज। चलिए जी, मिल्क केक, और ये है इनकी नॉर्मल वाली बर्फी जो खोए वाली होती है प्रॉपर। भाई मिल्क केक ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है, और आपने देखा होगा काफ़ी शहरों में मिल्क केक जो मिलता है ना उसका जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है ना वो सबको पसंद होता है, पूरा रड़ा हुआ होता है, पूरा काट के बनाया होता है, उस ब्राउन वाले हिस्से को यहाँ बेचा जाता है, सिर्फ प्रॉपर ब्राउन हिस्सा ही मिलता है, वाइट वाला नहीं होता, नहीं तो मिल्क केक के अंदर जा रहा बीच में वाइट होगा, साइड पे ब्राउन होगा। एंड ये इनकी बर्फी भाई, ये तो पूरा मैं कह रहा हूँ चॉकलेटी सा फ्लेवर है, लाजवाब टेस्ट है। भाई इस बर्फी में मीठा बड़ा बैलेंस है, उसमें थोड़ा सा मीठा है क्योंकि वो मीठे के सारी सवाल लगेगी बेसिकली, लेकिन इसके अंदर मीठा एकदम बैलेंस्ड है, लाजवाब है। तो अब चलते हैं आपको लेके फिरोजपुर की अगली जगह पे और टेस्ट कराते हैं अगला जायका लाजवाब वाला। और हम आपको लेकर आए हैं एक अगली जगह पे, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बावर्ची अनलिमिटेड। तो 150 रुपए के अंदर यहाँ अनलिमिटेड बफे मिल रहा है, तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और जानते हैं इनसे और टेस्ट करते हैं यहाँ का लाजवाब जायका, और दिखाते हैं आपको कि 150 रुपए के अंदर क्या क्या आइटम्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सत श्रीकाल भाजी। सत श्रीकाल सर, की नाम है भाई थोड़ा? वरुण अरोड़ा। और भाजी कितना टाइम हो गया आपको ये बफे वगैरह यहाँ पे स्टार्ट किए हुए? हमें सर 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए? 3 साल, आफ्टर लॉकडाउन हमने शुरू किया था, 3 साल हो गए। ओके, तो क्या प्राइसिंग क्या रहती है पहले बफे की? प्राइसिंग सर 150 पर पर्सन है, जिसमें ये अनलिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड? कितनी आइटम्स रहने वाली है इसमें? अप्रॉक्सीमेटली 20 आइटम्स रहती है सर। ठीक है, तो दिखाइए जरा क्या क्या रहता है। कढ़ाई पनीर है सर, ये कढ़ाई पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर है, ठीक है, दाल मखनी है, ठीक है, ये चाप ग्रेवी है, चाप ग्रेवी, सोया चाप है जी, ओके, चना है सर, ओके, कड़ी पकौड़ा, मंचूरियन है, मंचूरियन, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रेवी मंचूरियन, मंचूरियन और नूडल्स है, नूडल्स हो गए है ना जी। वाह जी वाह, ये वेज नूडल्स रहने वाले हैं? वेज नूडल्स रहने वाले हैं सर। राइस सर? जीरा राइस है, ठीक है, उसके बाद सर सैलड है, रायता है, ओके, ये सिरके वाले प्याज हो गए, मिंट सॉस है, बूंदी रहे, ब्रेड्स में रहेगा बटर नान, प्लेन नान, बटर रोटी, प्लेन रोटी, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा। अच्छा, जो मर्जी खा सकते हैं? हाँ जी, अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। ठीक है, क्या टाइमिंग्स रहती हैं, कितने बजे? टाइमिंग सर सुबह 11:30 से 10:30 PM तक रहता है। 10:30 PM पूरा दिन ही चल रहा होता है मतलब आपका वैसे? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो ज़्यादा बेसिकली रश रहता है वो लंच और डिनर टाइम में रहता है, वो उसी टाइम पे रहता है जी। ठीक है, एंड एड्रेस बता दीजिए अगर किसी ने आना। एड्रेस है म्यूनसिपल पार्क के साथ है बिल्कुल, ठीक है, अपोजिट बंधन बैंक, ठीक है, म्यूनसिपल माल रोड फिरोजपुर, माल रोड फिरोजपुर जी। चलिए जी टेस्ट करते हैं आपका वफे और बताते हैं हमारी ऑडियंस को कैसा स्वाद है। वेल, सबसे पहले हम आपको इनकी जो स्टार्टर्स में रहने वाली चीज़ें वो है नूडल्स और साथ में मंचूरियन, तो ये टेस्ट करके बताते हैं। भाई चाउमीन या इसको नूडल्स बोल लो, टिपिकल चाइनीज स्टाइल है पूरा, एकदम जैसे दिल्ली में मिलते हैं ना दिल्ली स्टाइल वाले। मंचूरियन टेस्ट करते हैं। वाह यार, लाजवाब है, मंचूरियन भी बहुत अच्छा है और नूडल्स भी बहुत अच्छे हैं। अब बारी आते हैं मेन कोर्स की, तो चलिए मेन कोर्स टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं मेन कोर्स का कैसा। ये है इनका बढ़िया सा कढ़ाई पनीर,
साथ में दाल मखनी, मैंने डाला है चाप, ग्रेवी एंड साथ में कढ़ी। चलिए स्वाद बताते हैं आपको स्वाद कैसा है। लच्छा परौंठा चेक करो भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और साथ में है जी रोटी, बटर रोटी। और मेरे को दिए शक्ल से ही देखने में लग रही है कि मैदे की तो बिल्कुल नहीं होने वाली, एकदम आटे की है प्योर। एंड लच्छा परौंठा बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं वन बाय वन। पहले सबसे पहले सब्जियों का स्वाद बताता हूँ मैं आपको। ये है स्पाइसी, हल्का सा स्वीटी टेक्सचर। एंड ये है दाल मखनी जी। दाल मखनी बहुत बढ़िया, दिल्ली स्टाइल दाल मखनी है। और इसके अंदर हल्का हल्का सिनेमन का टेस्ट आ रहा है। ये होगी जी चाप ग्रेवी। माइल्ड स्पाइसी ग्रेवी है। बाकी जो ओवरऑल मेरी रेटिंग रहेगी वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। और साथ में है कड़ी। भाई कड़ी दिखाओ। ये है कड़ी पकौड़ा, ये एकदम स्पाइसी है, मज़ेदार है। कड़ी बहुत शानदार है और वाकई में बहुत शानदार है। चलिए लुत्फ उठाते हैं अपने जायके का। ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है हमारा। रेटिंग आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। बाकी जो रिव्यू रहा है मेरी तरफ से, मैंने कोशिश की है कि जो मेरे को स्वाद एक्चुअल में लगा मैंने वही आपको बताया, मेन कोर्स का भी और स्टार्टर्स का भी। बाकी मिलेंगे किसी नई सी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय। अगर आपके जाएंगे मैं दम तो जल्दी मिलेंगे हम। टिल देन बाय बाय।